बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरु नानक देव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में मुझसे पहले बातें बहुत हुई लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया। अब मैंने आने के बाद इसके लिए एक तो 2015-16 के बजट में जी सर दो यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन गुरु नानक साहब की यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब से 3 अरब रख दिए गए हैं। अभी इस वक्त जो चार्टर के लिए लेजिस्लेशन होनी है जी सर वो कैबिनेट के पास पहुंच गया है जी। कैबिनेट मंजूरी जब देगी तो फिर पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट ने हमें चार्टर दे देना है। उसके बाद हम वाइस चांसलर जो है वो रखेंगे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखेंगे। इसके साथ जो मुरीद के में ले जाने की बात मैंने की थी जी वो वाकई दुरुस्त है, लेकिन वजह ये थी कि हमें ननकाना में जो हारी हैं जो मजारीन है वो ज़मीन नहीं दे रहे थे। अच्छा, कुछ वकीलों ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था, तो मैं ये चाहता था कि जल्द से जल्द ये यूनिवर्सिटी बने जी सर। अब वो उन्होंने कहा जी हम कुर्बानी देते हैं, चले आप देखते हैं। मैंने जो वफाकी वजीर हैं बिरजीत ताहिर साहब उनकी सदारत में एक कमेटी जिसमें दोनों ज़िलों के ननकाना डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के MNAs, MPAs, लोकल बॉडीज़ के रिप्रजेंटेटिव, यूथ, सिविल सोसाइटी, वकला, मजारईन, ताजर, जर्नलिस्ट सब की मैंने एक कमेटी बना दी है और उन्हें 6 हफ्ते हो गए हैं, मीटिंग्स उन्होंने काफ़ी की हैं। आने वाले साल में मैंने कहा है कि आप 4 इश्यूज़ हैं वहाँ के जी समेत बाबा गुरु नानक देव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जी। आप इस पर मुझे इत्तेफाक राय से विद कंसेंसस एक फार्मूला बताएं ताकि मैं उस पर अमल करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह गुरु नानक देव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख देंगे और फिर काम शुरू। पूरी दुनिया की संगत जी कान खोल के गल सुन लवे, जितने मैं जिते गया सब लोगों ने मैंने कहा कि बाबा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जी है वो प्लेस चेंज की जा रही है, वो अप्रूवल नहीं हो रही है, इंज नहीं हो रहा, उंज नहीं हो रहा। अच्छ मैं थानू जिंदगी फर्स्ट टाइम मैं तकरीबन मैं 5 साल हो गए हैं सिख हिस्ट्री का काम करद और हिंदू हिस्ट्री के काम करद हो, तो फर्स्ट टाइम मैं किसी भी APTT जोड़े चेयरमैन ने उन्होंने मेरा पहली बार कोई मुलाकात है और मैं चाहता स कि मैं रियल प्राइमरी सोर्स जदों तक मेरे हाथ ना आन उन्नी देर तक मैं थोड़ा कोई भी वो बारे में पहले भी कोई बयान नहीं दिता, हूँ भी कोई नहीं दिता। इस वास्ते मैं कहंगा कि पूरी दुनिया जी है चेयरमैन साहब नाल खड़ी होवे आवाज़ चुके और इंशाल्लाह उत्थे ही जिस जगह देते जगह चुनी गई सी उस जगह देते बाबा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जी है वो बनाई जाएगी और तमाम संगत जड़िया ने चेयरमैन साहब का साथ देन, पूरी दुनिया तो साथ देन ताकि असी इस जड़ा एड़ा अमल है यूनिवर्सिटी नू पहले कहें जिस तरह कह रहे हैं कि असी कहें सुने लेकिन हूँ उन्होंने रूनुमा भी करके दिखाना जी। तुसी कोई की कहना चाहोगे इंटरनेशनल संगत वास्ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी संगत जी है बहुत ज़्यादा बेकरार होंगी है, खास करके एक माता साहिब कौर जी का जन्म स्थान है रोहतास के अंदर, दूसरा पहली पातशाही का गुरुद्वारा है जो तो बाबा गुरु नानक साहब चौथे दसवीं तो बाद वापस आए सन, तो उस वे बाहर बैठे उत्थे अमरकुंड भी है उन्हों का जितों लोअर दरबार नूर रणजीत सिंह पानी भी जाता सी पीण वास्ते, तो की तुसी उहदे बारे मुतलक की कहिंदे हो कि उहदे मुतलक कदों तक वो बहाली और मैं ते जदों दा आया 3 गुरुद्वारा साहिबान खोल जी, एक पेशावर दे विच जी बिल्कुल जी और 2 ननकाना साहब क्यारा साहब जी और 5वीं छठी पातशाही। उत्थे ही असी बाबा जी के दोस्त भी सन और उन्होंने साथी के नाम है सितारा बजाते सन जी बिल्कुल जी। बाबा मरदाना जी की गल की जा रही है, भाई मरदाना जी की गल कर रहे हैं, भाई मरदाना जी उन्होंने यादगार भी उसका भी मैं इफ्तिताह कर दिता है ननकाना साहब, वो भी मुकम्मल होने वाली है, 100 कमरे भी जड़े ने हो बहुत जल्दी सारा काम असं मुकम्मल कर लिया जी। PTP भी अपने पैसों में जी 100 कमरे ननकाना साहब जन्म स्थान के अंदर बना जा रहे जी, 50 कमरे असी पंजा साहब बना जा रहे जी, फिर इसके अलावा असी अंगीठा साहब बना लिया है दरबार साहब करतारपुर जी जी, दरबार साहब करतारपुर अंगीठा साहब भी बना दिता है और हूँ जो अमृत जल है जी उसमें पंजा साहब भी और ननकाना साहब जी असी उसका इजाजत मतलब दे देती है, बहुत जल्दी सारी दुनिया जी एक प्योरीफाइड जरा अमृत जल है जी जिसकी जी 5 साल शेल्फ लाइफ होगी जी बगैर किसी किस्म के केमिकल वो जाएगा पूरी दुनिया। और इसके अलावा असी 4 कंपनियां रजिस्टर कर लिया ने जोड़े यात्रा प्रमोटर्स होंगे जी, और इन शाला उम्मीद है
کینیڈا امریکہ اور دوسرے ملکوں سے زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی, وہ خود ہی اپنی جڑی بھی فیس انہوں نے لینی ہے لے لیں گے اور یاتری جڑے آنا چاہ رہے ہیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر اور بہت سارے اقدامات کیتے ہیں پھر انشاءاللہ کر. چلو جی بہت شکریہ جی, تسی اتنا ٹائم دیتا اور اج دا پروگرام جڑا تسی کر رہے ہو ریئلی ویری امپریسو. میں سنگت نال ملیا ہاں, تواڈے انتظامات جڑے سن پورا دن لگ کے میں ایک ایک جگہ جا کے میں دیکھ کے آیا ہاں, اور کیونکہ جب انٹرنیشنل لیول تو تسی جا کے سپیچ کرتے ہو, میرے نال 2 ملین لوگ جڑے ہوئے ہیں, پنجابی سنگت جڑی ہوئی ہے, تو مینوں سمجھ نہیں آتی کہ اس ویلے اتنے میں کی جواب دیواں, لیکن اج مینوں سارے جواب جڑے نے تواڈے آمنے سامنے مل گئے ہیں, تو میں کہوں گا کہ ساڈی ایک بہت بڑی کاوش ہے.